चतुर्वेदी साहिब। ए आशिकों आओ चलो इश्क का किबला देखो, आशिकों आओ चलो इश्क का किबला देखो, जाहिदों आओ के फिर दोस का नक्शा देखो, जाहिदों आओ के फिर दोस का नक्शा देखो, के हाजियों आओ शनो देखो, और काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो नारे रिसालत मसलके आला हजरा सानिये सज्जाद निजामी हम सभी ये सज्जाद निजामी नारे तकबीर सुभान अल्लाह। लग रहा है कि उलमाए किराम जिस तरह से शुरू से बोल रहे हैं अल्लाह ताला इनकी उम्र में बना बरकतें अता फरमाए, लेकिन आप वाकई हिम्मत वाले हैं जो आप इस वक्त तक बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। आमीन। एक शेर और पढ़ता हूँ आला हजरत के दीवान का, जो उम्मीद है कि कोई आदमी आशिक सरकार आला हजरत होगा जो मजमे से खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करेगा। मैं पेश करता हूँ, पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह और हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। के हाजी ओ आओ शगन शाखा का रोजा देखो, और किस कदर प्यासे वो तुम खूब दिखाई प्यासे, खूब से राब हुए खूब मिटाई प्यासे, उन मरीजों का क्या किया जाए ऐसा नुस्खा बता दिया जाए, और जिस पे कोई दवा असर न करे आबे जमजम पिला दिया जाए, आबे जमजम पिला दिया जाए, आबे जमजम पिला दिया जाए, तो आबे जमजम तो पिया बुझाई प्यासे, और आओ जूते शेख कौसर का भी दरिया देखो, आओ नारे तकबीर हाथों को लहराकर बोले नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत पैगामे हक कॉन्फ्रेंस मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम मद्दाह रसूल इस्लाम निजामी साहब क़िबला। वाह वाह क्या कहें, माशाल्लाह। यकीन जानिए कि दिल खुश कर दिया उलमा इकराम ने, न वरना मैं तो ये सोच रहा था कि मैं आपके हक में कोई बड़ी दुआ करूँगा, कोई नारा लगाएगा, लेकिन ये काम मेरे भाई ने किया है, अल्लाह इन्हें सलामत रखें। एक शेर और पढ़ने अगर आला हजरत का सुनना चाहते हैं, अशार तो बहुत हैं लेकिन हुक्म की जंजीरों में कैद होकर मैं खड़ा हुआ हूँ वक्त की पाबंदी के साथ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रुख्सत भी हो जाऊँगा। एक शेर और सुनिएगा आला हजरत का, ज़रा झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इकराम अगर सुभान अल्लाह नहीं भी कहेंगे तब भी इनका एहसान है इसलिए कि ये बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो हक तलफी होगी। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ए हाजी ओ आओ शगन शाखा का रोजा देखो, और फिक्र परवाह
फिक्रो परवाह जमाने के सितम के छीटे फिक्रो परवाह जमाने के सितम के छीटे भूल गए आज सभी रंग जो अलम के छीटे भूल गए आज सभी रंग जो अलम के छीटे कैसे रे मिजाब मिले और अब्र रहमा का यहाँ जोर बरसना देखो अब्र रहमा का यहाँ जोर बरस क्या कहते हैं भाई बहुत इस्लाम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह वाह वाह मैं अपनी किस्मत पे जितना नास करूं उतना कम है कि उलमा इकराम मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं न वरना मेरे शकील साहब किबला रजवी जो B4 अभी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और कल ही किशनगंज से आए हैं बिहार और बंगाल में तो इनका ये समझिए गोया के घर है अल्लाह इन्हें सलामत रखे मक्ते का शेर आला हजरत का पेश करता हूँ मुनादा फरमाएं अगर आप ईमानदारी से एक मरतबा और कह दें सुभान अल्लाह ये तो मुझे यकीन है कि नारा याद ही नहीं है तो लगाएगा कौन लेकिन आप सुभान अल्लाह कह दें ये बहुत बड़ी बात होगी मैं पेश करता हूँ मुनादा फरमाएं के कौल तो रब कौल तो रब का है इस्लाम मगर सुन तो जरा कौल तो रब का है इस्लाम मगर सुन तो जरा कौल तो रब का है इस्लाम मगर सुन तो जरा कौल तो रब का है इस्लाम मगर सुन तो जरा क्या ही अंदाज में कहते हैं बरेली के रजा प्यारे अंदाज में कहते हैं बरेली के रजा गौर से सुन तो रजा और मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद या अली अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह वाह वाह क्या कहने हैं सुभान अल्लाह सुभान हजरत अल्लामा फैज रजा साहब किबला मदरसिल्लाह नूरानी फरमा रहे हैं कि सज्जाद भाई की याद दिला दी हजरत मेरी वीडियो पे कमेंट्स आते हैं अल्लाह ताला आपकी मगफरत फरमाए आमीन अरे यार आप आमीन को कह रहे हो मैं उनको बता रहा हूँ अच्छा। नहीं मैंने सज्जाद मजामी साहब के लिए कहा अल्लाह ताला आपके तखयुलात को